हमें मालूम है कि रावण ने सीता का हरण किया था, पर जिस सीता का हरण किया था वो असली सीता नहीं बल्कि छाया सीता थी। कहते हैं वेदवती नाम की एक कन्या थी जो भगवान विष्णु की तपस्या कर रही थी। रावण चवरन उसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। वेदवती ने योग क्रिया द्वारा अपने शरीर को भस्म कर दिया और रावण को श्राप दिया, मेरे ही द्वारा तेरा संहार होगा, तुझे मारने के हित में अवतार हमारा होगा। अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन में समाहित कर लिया। राक्षस राज रावण जब सीता को हर ले जाने के लिए आश्रम के समीप आया, उस समय अग्निदेव भगवान राम के अग्निहोत्र ग्रह में विद्यमान थे। अग्निदेव ने रावण की चेष्टा जान ली और असली सीता को साथ में लेकर पाताल लोक अपनी पत्नी स्वाहा के पास चले गए और सीता जी को स्वाहा की देखरेख में सौंप कर लौट आए। अग्निदेव ने वेदवती की आत्मा को अपने तन से अलग करके सीता के समान रूप वाली बना दिया और पर्णशाला में सीता जी के स्थान पर उसे बिठा दिया। रावण ने उसी का अपहरण करके लंका में ला बिठाया। तदंतर रावण के मारे जाने पर अग्नि परीक्षा के समय उसी वेदवती ने अग्नि में प्रवेश किया। उस समय अग्निदेव ने स्वाहा के समीप सुरक्षित जनक नंदिनी सीता रूपा लक्ष्मी को लाकर पुनः श्री राम को सौंप दिया और वेदवती रूपी छाया सीता के अपने तन में समाहित कर लिया। तब सीता जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु इस वेदवती ने बड़े दुख सहे हैं, ये आपको पति रूप में पाना चाहती है, इसलिए आप इसे स्वीकार कीजिए। भगवान राम ने कहा, समय आने पर मैं इसे पत्नी रूप में जरूर स्वीकार करूंगा। समय बीता। राजा आकाश राजयज्ञ करने के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। सोने के हल से पृथ्वी ज्योति जाने लगी। तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा कि पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई जो कमल की शैया पर सोई हुई। राजा ने उसे गोद में उठा लिया और कहा, यह मेरी पत्नी है। ऐसा बार बार कहते हुए महल की ओर चल दिया। तभी आकाशवाणी हुई, राजन वास्तव में ये तुम्हारी ही पुत्री है, इस कन्या का तुम पालन पोषण करो। यह कन्या वही वेदवती है। राजा के कुलगुरु ने इस कन्या का नाम पद्मावती रखा। धीरे धीरे समय बीता, कन्या युवा हुई। कन्या के विवाह वेंकटांचल निवासी श्री हरि से हुआ। ऐसे ही विचित्र रहस्यों से रूबरू होने के लिए हमारे नेक्स्ट नैनो स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट नैनो स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान के लिए।